जिसके परिवार में खुद इतना विवाद फैला हुआ है और उस व्यक्ति को राजद के विधायक मुख्यमंत्री बता रहे हैं, ये बड़ा हास्यपद लगता है। 15 अगस्त से पहले तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और इस बार राष्ट्रीय ध्वज गांधी मैदान में तेजस्वी यादव ही फहराएंगे, ये बात भाई वीरेंद्र ने कही है, जिसको लेकर के अब गीता नाम मांझी की पार्टी की तरफ से जवाब भी आया है और कहा है कि हम भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार हैं, मगर एक बार परिवार जो है आरजेडी की परिवार यानी लालू यादव की परिवार एक बार एक साथ बैठ करके ये घोषणा क्यों नहीं कर देती है। उनके परिवार के अंदर ही कला है तो आखिर कैसे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। अब सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेता आजकल गलतफहमी में जी रहे हैं। अब एक नेता ने कह दिया है कि 15 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री की हैसियत से तिरंगा झंडा फहराएंगे। उनको कम से कम तेजस्वी यादव जी से बातचीत कर लेनी चाहिए कि 15 अगस्त को वो बिहार में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी अभी तय नहीं है। क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि ऐसे मौकों पर तेजस्वी यादव जी पिकनिक मनाने बिहार से बाहर चले जाते हैं। दूसरी बात, अगर तेजस्वी यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल के नेता मुख्यमंत्री का चेहरा मान रहे हैं तो कम से कम लालू यादव जी के परिवार के तमाम सदस्यों को बैठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू जी के परिवार के तमाम सदस्य कह दे कि हां भाई, बिहार का आरजेडी का नेता तेजस्वी यादव ही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, तब हम भी मान लेंगे कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री है। जिसके परिवार में खुद इतना विवाद फैला हुआ है और उस व्यक्ति को राजद के विधायक मुख्यमंत्री बता रहे हैं, ये बड़ा हास्यपद लगता है। हमें लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को ऐसे बचकानी बयान से बचना चाहिए। तो आपने सुना, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को लेकर के जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से जवाब आया है और कहा है कि जब परिवार में ही कला है तो आखिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कैसे बन पाएंगे। भले ही लगातार आरजेडी की तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि इस बार तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, आरजेडी का तो ये भी कहना है कि जनता का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। लोगों ने तेजस्वी यादव को वोट दिया था, बदलाव के लिए वोट दिया था, मगर एनडीए की सरकार द्वारा फिर से बहुमत जो है वो चुरा लिया गया। अब जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से दावा हुआ है और उसके बाद से जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी पलटवार किया है, अब तमाम राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहते हैं, उन तमाम खबरों से हम आपको जोड़े रहेंगे। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके।